हेलो गाइस, तो मैं आज एक और प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ हाज़िर हूँ। रिव्यू स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको जो भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का रिव्यू, जो कि है फेस वॉश हिमालय कंपनी का। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि टीनेज में बच्चों को, यानी यंगस्टर्स को, जो टीनेज के होते हैं उनको पिंपल्स का इशू हो जाता है, और वैसे भी अक्सर जो है पॉल्यूशन से और डाइट से जो हम जो है वो प्योर नहीं खाते हैं उससे पिंपल्स का इशू स्किन पे हो जाता है, और स्किन पे जो है वैसे भी और इश्यूज भी हो जाते हैं जैसे ब्लैक हेड्स वगैरह और डल हो जाना स्किन का और स्किन को ख़राब हो जाना। तो उसके लिए जो है वो ये हिमालय का प्योरीफाइंग नीम फेस वॉश। अच्छा, इसमें जो है आप लोगों के जो फेस के लिए जो है वो है ये जो है आपके पिंपल्स को भी जो है वो रिमूव करती है, और जो अगर निशान पड़े हुए हों, क्योंकि जो हमारा नीम है वो स्किन को जो है वो क्लियर करने का जो है वो बेनिफिट रखता है, और इफेक्ट उसका ये होता है कि आप अगर उसको नीम के पत्तों को भी उबाल कर पानी में उसको फेस पे यूज़ करें तो भी जो है आपका रंग भी साफ़ होता है, निशान भी ख़त्म होते हैं और दाने भी ख़त्म होते हैं। तो आजकल हमसे ये सब तो होता नहीं है, ठीक है, मैं अपनी बात कर रही हूँ, लेकिन जो लोग करना चाहें वो कर सकते हैं कि नीम के पत्ते लेके उनको अच्छी तरह से धो के पानी में बॉईल करके और उससे अपना फेस वॉश करें तो उनको बहुत फ़र्क पड़ेगा दानों में, निशान में, और रंग भी अच्छा होगा। तो ये उस बेनिफिट को देने के लिए ये नीम का जो फेस वॉश है हिमालय का वो यूज़ होता है, और इसमें जो टर्मरिक की भी जो है वो बेनिफिट्स हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो है हमारा ये वाइटनिंग के लिए भी है और जो है ये हर्बल भी है, ठीक है, और इससे जो है स्किन साफ भी होती है और दानों के निशान भी ख़त्म होते हैं, और अगर जो निशान पहले से पड़े हुए हैं वो भी काफ़ी हद तक बेहतर हो जाते हैं। तो मैं इसको रिकमेंड करती हूँ उन लोगों के लिए जिनको स्किन के इशू चल रहे हैं, जैसे पिंपल्स का इशू है या निशानात हैं या जिनकी ऑयली स्किन है या जो कॉम्बिनेशन स्किन वाले हैं जिन पे दाने निकल आते हैं, और पॉल्यूशन की वजह से जिनकी स्किन, जो यंगस्टर्स हैं, टीनेजर्स हैं, वो अगर ये यूज़ करें बजाय और कुछ करने के सिर्फ ये यूज़ कर लें और एक एक माइल्ड सा मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें तो उनके पिंपल्स का इशू शुरू ही नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये जो है वो नॉर्मल से ऑयली स्किन के लिए है, ठीक है। तो ये देखें, इसमें आप लोगों को पता भी चलेगा कि ये जो है इसमें इस तरह से जो है वो इन्फ्यूज़ की गई हैं चीज़ें कि ये आपके जो है पिंपल्स को जो है वो होने नहीं देगा, यानी कि ये आपकी स्किन को जो है ऐसे क्लीन कर देगा। 3 दफ़ा आप इसको यूज़ कर लें दिन में कि ये जो है आपके पिंपल्स के लिए जो इन्वायरमेंट बनता है उसको क्रिएट होने नहीं देगा, यानी कि आपके जो है वो पोर्स को ब्लॉक नहीं होने देगा। नीम वैसे भी एंटीबैक्टीरियल होता है, ठीक है, तो एंटीबैक्टीरियल जो है प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर है, ठीक है। फिर टर्मरिक की भी इन्होंने एक एडिशनली ऐड की हुई है इसके अंदर ना, वैसे भी अगर आप नीम का पेस्ट बनाए उसमें टर्मरिक ऐड कर लें और फिर वो अपने फेस पे लगाएं तो वो पिंपल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये देखें, ये जेल की तरह का होता है लाइट ग्रीन कलर में, तो आप इसको जो है वो यूज़ करें डेली 3 टाइम, या जब भी आपको लगे कि आपका इस फेस जो है गंदा गंदा सा फील हो रहा है, ठीक है ना, या ऑयली सा फील हो रहा है, ठीक है ना, तो ये आप इसको यूज़ करें। वैसे तो रिकमेंडेड 3 दफ़ा मैं कहूँगी, कम से कम 3 दफ़ा, और रात को ज़रूर फेस वॉश करके सोएं ताकि आपका जो फेस है वो सुबह तक जो है वो साफ रहे, और जो आपकी लेयरिंग्स होती हैं, मतलब चादरें होती हैं और तकियों के कवर होते हैं, वो रेगुलरली जो है वो चेंज करें। ये भी एडवाइजेबल होता है फेस वॉश करने के साथ साथ, ताकि आपका जो ऑयल है वो दोबारा जो आपके फेस पे आए तो वो आपके तकियों से जो है आपकी स्किन पर दोबारा ट्रांसफ़र ना हो और आपको जो है वो आपके पोर्स को ब्लॉक ना करें, ठीक है। और ये है कि अब वैसे भी गर्मियाँ आ रही हैं तो अपनी स्किन को साफ़ रखें, उसके लिए ये है कि एंटीबैक्टीरियल
प्रॉपर्टीज़ इसकी आपके लिए जिनको पिंपल्स का इशू है वो बहुत जो है वो काउंट करता है। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है उन लोगों के लिए जिनकी जो है प्रॉब्लमेटिक स्किन है, यानी कि जिनको कोई इशू चल रहा है पिंपल्स का, ब्लैक हेड्स का, और जो है वो जो यंग एज के हैं बच्चे तो ख़ासतौर पर उनको। लेकिन अगर किसी को ज़्यादा एज वाले को भी इशू हो रहा है पिंपल्स का तो वो भी ये यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही माइल्ड है, ठीक है ना, ये आपके स्किन को ओवर ड्राई नहीं करेगा, ठीक है। तो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।